सीक्वेंस में देखिए हमारे साथ खुद रावण बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों, देखिए कितना भैया, बोलो बोलो, देखिए कितना शुभ पावन अवसर आ गया है कि इसमें रावण अच्छा बह रहा है। वाह, जय श्री राम। राम भक्त, ऐसा बढ़िया दिन है। हाँ। कि आज लंका के रावण को भी राममय हो जाना पड़ा। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो चावल मिला है, अक्षत मिला है, हाँ, उसको वितरण करने में हम भी लगे। सोनू भैया, आज इतनी खुशकिस्मति हम लोगों की है। बिल्कुल देखिए, राम की जो है ये अक्षत बांटने के लिए काफिला निकला सूरतगढ़ से, और इसमें देखिए हमारे साथ खुद रावण बैठा हुआ है। खुद रावण के साथ हम अक्षत वितरण करने चल रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। रावण जी ने राम में हो चुका है। कहाँ हुआ? रावण चंदन लगा तलवार, आज खुद रावण निकल पड़ा। चंदन है, अक्षत वितरण करने और न्योता दे रहे हैं 22 तारीख के भंडारा के लिए। रावण भी जो बताया, आज कुछ भी बता रहे हैं। इनका साधर निमंत्रण है, ये साधर प्रार्थनीय। अच्छा, हाँ, हमने इनको निमंत्रण में इसलिए के हिंदुस्तान नहीं, श्रीलंका नहीं, 186 देश जो है, पूरा विश्व जो है राममय हो चुका है। इसीलिए आचार्य जी आओ। अरे दिनेश भैया, ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मत मारी गई है। हमने खुद रावण को बुला लिया अक्षत बांटने के लिए। रावण राम का अक्षत बांट रहा है। राम की कृपा है, ये राम की कृपा है, और वो राक्षस से भी बड़े राक्षस हैं कांग्रेस जो नहीं आए इसमें। और देखो खुद रावण, राहुल भैया एक बार हमने गलती की थी, अपने पूरे वंश को नाश कर दिया। अब वही कांग्रेस का और सपा का होने वाला, उनका पूरा वंश नाश हो जाएगा। लंकेश खुद आज अक्षत वितरण में लगा हुआ है। वाह शंकर जी। बहुत बहुत।
आज तक पृथ्वी पर हुआ है न कोई होगा। हमने भी अपनी सारी सद्बुद्धि लगा कर देख लिया कि राम से बड़ा कोई है नहीं, राम के नाम में ही सब कुछ है। सही बात। अगर आप लोग, आप लोगों का बाजा बंद हुआ तो एक भी पैसे नहीं देंगे लंकेश। जय श्री दक्षिणा दिए क्या तकलीफ है आपको? रावण राज, रावण राज इस दुनिया में क्या दिक्कत है आपको आई है? दादी राम राज चल रहा है इस समय, देखिए हमारा कोठा खम लकेश है, लेकिन फिर भी हम राम मई हो चुके हैं, राम के चरणों में नतमस्तक कर रहे हैं। अब आपको क्या चिंता है, आप भी राम राम करिए। और हाँ बस ये श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम का बोलबो लेकिन झंडवा जल रहा ये मंडप है पुराना, ये मंडप है पुराना, यहाँ तो बनता है, यहाँ तो बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, ये श्रीमद भागवत जी का मंडप है पुराना। हाँ। यहाँ तो बिल्कुल बनता, हमने तो बता दिया कि हम लंकेश से अब राममय हो चुके हैं, हमने अपना घमंड तोड़ दिया है। जय जय श्री राम। अगर इस मौके पर हम जैसे लंकापति रावण जब राममय हो सकते हैं, अगर इसमें भी कोई हिंदू विरोधी होता तो हिंदू विरोधी नहीं, वो देश विरोधी है, देश वो देश जो ही है उसके डीएनए में कमी है। अब बताइए कि हमारे आजा कितने बड़े विद्वान थे, उनसे मैंने सीखा फिर भी मैंने बुद्धि नहीं ली। मैंने स्वयं राम को देखा है, उनसे युद्ध किया है, इसलिए आज हम राममय हो गए हैं। जय जय श्री राम। तू कहा गलत कहा? अरे कागज ले दियो, कागज कागज ले, एक ही कागज ले लियो। जय जय श्री राम। रूप में है, चलो चले। जय जय श्री राम, जय श्री राम, चलो भाई।
घर भी है। ठेकेदार का वो हमें डाल रहा हो, ओ ठेकेदार खड़ा रहा हो, देखो तो यहाँ खसक ले हैं। पीछन से पूरी अपने नगर में पहुंचे में पूरे नगर में पहुंच गए, पूरे नगर में पहुंच चुके हैं। हाँ। और सब बड़े हर्षोल्लास से लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी रैली का साथ दिया। अच्छा, मैंने देखा। हाँ। कि जब हम राममय हो चुके हैं। हाँ। तो मैंने देखा पूरा मेरा मौजा राममय हो चुका, राममय हो चुका है। हम एकदम आज देख कर ये गदगद हो चुके हैं। मतलब जिस दिन राम विराजमान होंगे उसी दिन भंडारा होगा, भव्य भंडारा होगा। हाँ। भव्य भंडारा होगा, मतलब ऐसा भंडारा कभी हमारे यहाँ हुआ ही नहीं होगा, ऐसा भंडारा होगा, ऐसा भंडारा होगा। ये मैं ऊँटों के दांव पर कह रहा हूँ। वाह लंका, जय श्री राम। कौन वाला? यही बनवा वगैरह हुआ। तुम्हारा पालो हरे चमक गए। रामच्छत देते हुए देते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। भाई कहां है? भाई मिस्टर दिया पा हो ये नाम को फिर के लोग मिस्टर के साथ। हां चलो, हिम्मत चले, कोटू है बोलो।